प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर यानी कल बिलासपुर आएंगे। पीएम मोदी एम्स का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद रैली को संबोधित करेंगे। रैली में कवरेज के लिए पत्रकारों का चरित्र प्रमाण पत्र मांगने के आदेश पर बीजेपी सरकार की चौतरफा फजीहत हो रही है। विपक्षी पार्टी ने इस आदेश को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने का काम कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि इतिहास में पहली बार प्रदेश में इस तरह की तानाशाही देखने को मिली है। पत्रकारों को चरित्र प्रमाण पत्र दिखाने को कहना प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अहंकार में ऐसे आदेश जारी कर रही है। जिस प्रकार का मुझे भी मैसेज मिला व्हाट्सएप पे कि वहाँ DPRO ने बिलासपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के लिए जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है मीडिया लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए ये ऑर्डर किए गए कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना उस प्रोग्राम में, तो आपको SP साहब से जो है अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के आदेश अगर मीडिया के लोगों को कवरेज के लिए जाना है तो उनको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है कि आपके अंदर अहंकार है क्या? आप लोकतंत्र की परंपराओं को समझने का प्रयास कर। हम इस आदेश की निंदा करते हैं और इस आदेश को सरकार को और भाजपा को वापस लेना चाहिए। सर देखिए, सर्वे का जो एक सर्वे आया पहले सी वोटर्स का, मैं उसको दिल्ली के सर्वे कहता हूँ, कि जो दिल्ली के सर्वे आए हैं उसमें उन्होंने एक चीज़ को दर्शाया कि 45% लोग जो है भाजपा से नाराज़ है और भाजपा को बदलना चाहते हैं। वो अपने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है, और उसके बाद कहते हैं कि 33% लोग भी नाराज़ है भाजपा की सरकार से। तो टोटल नाराज़ लोगों की जो संख्या बन रही है उनके हिसाब से वो 78% लोग नाराज़ हैं। अगर आप आइडिया लगाइए कि अगर 78% लोग भाजपा की सरकार से नाराज़ है तो ये आंकड़ा कहाँ जा रहा है। तो इस प्रकार हमने बोला कि हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ये सर्वे हैं, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन मार्क्स होते रहे, तो वो जिस प्रकार से सर्वे दिखा रहे हैं और वो खुद ही अपने आप को कंट्रेडिक्ट कर रहे हैं। सर्वे जो है हमारे हिमाचल प्रदेश का लाइव TV चैनल है, उसने लाइव सर्वे चल रहे हैं ऑनलाइन उनके, उन्होंने बहुत बड़ा सैंपल लिया, उसमें कांग्रेस पार्टी को 55% लोग जो है सत्ता में लाना चाह रहे हैं और 41% लोग जो है भाजपा को लाना चाह रहे हैं। तो 14% का जो फर्क है वो बहुत बड़ा अंतर है। और हम इसी बात को कह रहे हैं कि जो बाई इलेक्शन भी हुआ था हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों का, उसमें साफ तौर पे हिमाचल के लोगों का मन साफ दिख रहा था कि बदलाव चाह रहे हैं, आज भी वो बदलाव है। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16